दो ढाई घंटे लगाए शूज शूज ट्राई किए उसने कपड़े पहने अपने कपड़े छोड़ के गया वो। ये इसमें शूज हैं और उस चोर के कपड़े हैं। के भी गया है और दो बैग लेके भी दो गया। दो बैग लेके भी एक बैग साथ में लाया था वो भर ले के लेके आया एक हमारा बैग लेके गया भर के। मैंने समझा कि एक लाख तो है वो छोटा आस्था तो से पता लग रहा है यार ये भी कम है ये भी कम है यहाँ से ये भी कम अब ये कहने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करूँगा कि चोरों को पुलिस का डर बिल्कुल भी नहीं है बड़े बेखौफ होकर वो जम्मू शहर में चोरियाँ कर रहे हैं और चोरिया भी ऐसी कर रहे हैं बड़े आराम से पूरा वक्त देकर उनको पता है कि जो चोरी से रोकने वाले हैं वो सो रहे हैं इस वक्त मैं हूं सतवारी पेट्रोल पंप के साथ एक शॉप है फैशन काउचर रात को बारह बीस पर यहां पे चोरी हो गई सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए सीसीटीवी फुटेज इस फुटेज में यह दिखाया गया है ये कैप्चर हुआ है जैसे ही चोर एंटर हुआ वो यहां आता है यहां आकर पहले वो सीधा यहां आकर ड्रॉर चेक करता है लॉक तोड़ता है उसके बाद वहाँ से फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज यहाँ से निकालता है बड़े आराम से जैसे चोरी नहीं कर रहा हो मालिक अपनी दुकान पे विजिट करने आया हो वो तो पैसे निकालता है उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि ये कपड़ों की दुकान है उसके बाद बड़े आराम से वो सब कपड़े ट्राई करता है तीन चार पैजामे पहन पहनता है ट्राउजर पहनता है शूज पहनता है और उसके बाद जो कपड़े उसने पहने थे वो पुराने हो गए थे उससे उसका जी भर गया था वो कपड़े यही छोड़ कर चला गया अब आपको बताता हूं जो कपड़े उसने उतारे हैं उसमें से बहुत बदबू आ रही है दुकान वालों ने ये कपड़े बाहर रख दिए हैं ये इसमें शूज हैं और उस चोर के कपड़े हैं और जो कपड़े वो पहन के गया यहां से इस स्टैच्यू ने वो कपड़े पहने हुए थे यहां से वो कपड़े उतार कर अच्छे तरह से ट्राई करके कर वो पहन के गया है और एक कपड़ा पहन के नहीं गया है एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक, वो पहन के गया है तो इसलिए मैंने कहा कि बड़े आराम से पूरा वक्त दिया उसने अपने इस जॉब को अंजाम देने में अपने इस प्रोफेशन को अंजाम देने में और कितना बेखौफ था कोई डर नहीं था उसको हालांकि अभी तक एफ आई लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन मेरी गांधीनगर थाने के जो आई हैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनसे बात हुई है उन्होंने कहा कि थोड़ी देर तक ये एफ जो लॉज हो जाएगा वो पकड़ा जाएगा या जा? नहीं ये सवाल नहीं है अब आप मैं लोगों की मानसिकता दिखाने जा रहा हूं जिनके घर चोरी होती है जिस शॉप्स पे चोरी होती है वो ये कहते हैं जनाब पता नहीं माल मिलेगा या नहीं मिलेगा हमारी एफ आई कर लो जो हमने इंश्योरेंस करवाई है हर महीने जो प्रीमियम बरते हैं हर साल प्रीमियम बरते हैं उसका तो फ़ायदा मिल जाए सिर्फ एफ आई आर लॉन्च हो जाए लेकिन माजिद साहब जो आई ओ हैं उन्होंने कहा है कि एफ आई आर लॉन्च हो जाएगा शायद एक घंटे के अंदर जितेंद्र साहब मेरे साथ हैं इन्हीं की दुकान है ये जितेंद्र साहब पूरा वाक्य क्या है क्या हुआ कल रात को सर एक्चुअली मैं गया था लुधियाना से मंडलवाने के लिए एक दिन दो दिन हो गए थे मुझे वहाँ पर और मैंने आज सुबह ही आना था एक्चुअली रात को जब लड़के घर जाते हैं तो ऐसे में पैसे यहाँ छोड़ता नहीं हूँ यहाँ पर जब मैं खुद होता हूँ तो रात को मुझे बोल रहे थे इतना हिसाब हिसाबताब करके बताया था मैंने बोला चलो आप कैश वहाँ पर रखो सुबह मैं आऊँगा एक बार आज हिसाब तब करके ले जाएंगे बैंक में जमा करवाएंगे फोर्टी सिक्स थाउजेंड फोर्टी सिक्स थाउजेंडी सर अच्छा फिर तो रात को फिर हमने पैसे यहीं पर रख दिए तो मैंने चलो सुबह हिसाब करके हम बैंक में जमा करवा देंगे कल जितना भी है हमारा जो बना तो मतलब रात को बंद करके चली गए वो तकरीबन तो साढ़े बारह बजे की बात है चोर आया उसने पूरा पहले ताले तूले तोड़े तो उसके बाद अंदर घुसा पूरा अंदर घूमा उसने पूरा अंदर देखा पूरा आगे पीछे उसके बाद रैग जो थे काउंटर उसने तोड़ा उसके बाद जो सीसीटीवी थे वो बंद कर दिए यहाँ तक की वीडियो बनी है यहाँ तक वीडियो बनी जब तो याद आया होगा कि यहाँ तो कैमरा लगे हैं और इन बिटवीन रात को पूरा उसने दो ढाई घंटे लगाए शूज़ शूज़ ट्राई किए उसने कपड़े पहने अपने कपड़े छोड़ के गया वो काफ़ी कपड़े उसने अपने भी पहन के आया था तीन तो खाली पैंट पजामा और पता नहीं क्या का। तीन तो उसने लोअर पहने थे शूज़ अपने छोड़ गया जैकेट छोड़ गया अपने मतलब कि और भी काफ़ी कपड़े पहन के आया तो वो तो उसके बाद कपड़े ट्राई किए उसने पूरा आगे उथल पुथल किया तो दो बैग कपड़े के भरे और कैश भी लेके चले गए पहन के भी गया है और दो बैग लेके भी गए बैग लेके भी एक बैग साथ में लाया था वही भर के लेके आया एक हमारा बैग लेके गया भर के फोर्टी सिक्स थाउजेंड आपका कैश गया है बाकी कपड़े का क्या रहेगा एस्टिमेट क्या होगा वो सर नियरली अबाउट सिक्सटी थाउजेंड फिफ्टी टू सिक्सटी थाउजेंड के जो कपड़े वो लेके गए यानी टोटल एक लाख रुपए तक ज़्यादा नुकसान हो गया हाँ तो. सर जो मेरे को मतलब याद है जो अभी तक मैंने समझा तो है कि एक लाख तो वो है और छोटा मोटा आसा पता लग रहा है यार ये भी कम है चीज ये भी काम है यहाँ से ये भी काम है थाने गए थे आप हाँ सर थाने गए थे हम सर भी आए थे यहाँ पर सुबह उन्होंने फुटेज चेक की थी माजिद साहब आए थे हाँ माजिद सर आए थे तो उनके पास गए अभी हम अप्लीकेशन दिए उनको तो उन्होंने बोला कर देंगे हम गांधी ऑपरेट कर रहे हैं सर हाँ माजिद सर ठीक है हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये लॉस जो है वो पूरा हो जाए पंकज शर्मा साहब सचो हैं गांधी नगर में हालांकि बड़े अच्छे इंसान हैं वो और इस पर ज़रूर वो कार्रवाई होगी और उम्मीद करते हैं कि ये चोर पकड़ा जाए कहानी अब ये है अब इसके आगे का पॉइंट मैं आपको बताता हूँ उसको कामयाबी मिली है यहाँ पे एक रात में एक लाख रुपया ले गया अब वो उसका टारगेट जो है ये यह, यहाँ रुकने वाला नहीं है वो ये पैसे ख़त्म हो जाएंगे इन कपड़ों से फिर वो बोर हो जाएगा फिर एक नए तलाशी में निकलेगा एक और अभियान शुरू करेगा इन लोगों को रोकना बहुत ज़रूरी है और ये काम पुलिस का है और इस तरह की रिपोर्ट करके अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि पता नहीं चोर ज्यादा होशियार है या पुलिस यह कहा नहीं जा सकता हालांकि ये इंसिडेंट आज से दस साल पीछे जाया जाए थे बहुत कम थे ये तो आम बात हो गई है आम बात हो गई है उम्मीद करते हैं कि जिस बेखौफी से ये चोर जम्मू शहर में घूम रहे हैं इसको इस पर इस पर लगाम लगाना जरूरी है क्योंकि ये चीजें चोरी जो है डकैती में बदलेगी डकैती क्राइम में कुछ होता हत्या में तो इन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह द स्टेट सेंटिनल के लिए